नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं रोज बाहर निकलता हूँ. Well, the film is supposed to be out on the 1st of December. हम बहुत proud हैं इस फिल्म के साथ. The whole team is very, very proud. I think it is a very, it's going to be a very special cinematic experience. I think it's going to be something which I hope that the entire fraternity will be proud of. जिस तरह के responses मुझे trailer के बाद मिले हैं, genuinely the whole fraternity has come together to support the film because उन्हें ऐसा लगता है that when something so beautiful is coming, it's they don't think about it. ऐसा कहीं नहीं होता कि अरे यार इनकी है कि हमारी है. Sometimes films are so good or the trailer is so nice that everybody just comes out and says it's great that Hindustan mein aisi film ban rahi hai, and I got a response like that. I mean the visuals are larger than life, and you know the film speaks for itself. Or yeah, so we are all very very excited and very proud. गाना भी आया है. जी, दो गाने आए हैं. एक घूमर आया था कुछ 3 हफ्ते पहले, और अभी एक दिल एक जान गाना दो कल, आई थिंक कल लॉन्च हुआ. जी, प्रशंसा की जा रही है, लाइक लाइक द वे यू आर बॉन्डिंग ऑन द स्क्रीन. हाँ जी, या आई मीन इट्स ग्रेट. आई मीन द होल पर्पस ऑफ द सॉन्ग इज दैट इट्स द राजा एंड द रानी. इट्स महारावल रतन सिंह एंड पद्मावती, एंड उनकी जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप एज अ किंग एंड क्वीन है, जिन सिचुएशन से वो गुजरते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ लेयर्स टू द वे द सॉन्ग इज. और अभी तो लोग सिर्फ आइसोलेशन में गाने को देख रहे हैं, जब फिल्म के अंदर देखेंगे सो दे विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉन्ग. बट आई हैव रिसीव वेरी वेरी पॉजिटिव रिएक्शंस एंड वी आर वेरी हैप्पी. अजीब सा थोड़ा माहौल, थोड़ा सा सही है, मतलब डर का सहमा सा भी माहौल है जो लोग क्रिएट कर रहे हैं. जिस तरह इसको कैसे ले रहे हैं आप, कई कई घटनाएं होती हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं कई महीनों से एक ही बात कह रहा हूँ कि फिल्म देखें फिर डिसाइड करें, फिल्म को मौका दें, पहले प्रीकंसीव नोशंस ना बनाएं. ओके शाहिद, व्हाट इज वन फैशन ट्रेंड यू विश यू वुड हैव फॉलोड एंड वन यू वुड हैव गिवन अ मिस? आई एम लविंग दीस सो आई एम डेफिनेटली गोना फॉलो दिस. यू कैन समटाइम्स डू विद मोर देन जस्ट वन जिप, आई एम सेइंग लाइक इट्स कूल. एंड व्हाट इज योर पर्सनल स्टाइल क्वेश्चन, लेस और मोर? वेल इट रियली डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन योर डेफिनेशन ऑफ लेस एंड मोर. अ वेरी गुड आंसर. कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अपने आप स्टाइल की एडवाइस के लिए जाते हैं या जो आपकी फोन? He's like that. Have you met him on the phone? Okay, he'll get used to it. मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए. जिसकी एडवाइस के लिए आप जाते हैं या जिसकी बात मानते हैं कपड़ों के सिलसिले? अलग अलग लोग हैं, बिकॉज जब आप फिल्में कर रहे होते हैं तो फिल्में जो डिज़ाइन करते हैं आप उनकी बात सुनते हैं. फिल्म मेकर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. पर्सनली मैं वही पहनता हूँ जो मुझे पहनना पसंद लगता है. मेरे स्टाइलिस्ट हैं फिलहाल, मुझे अनीशा जैन स्टाइल करती हैं, जो बहुत अच्छा स्टाइल करती हैं. आज मुझे गौरव गुप्ता ने स्टाइल किया है, एंड आई होप आने वाले दिनों में फिर करेंगे, बिकॉज आई लव व्हाट आई एम वेयरिंग. डज अ वाइफ नॉट गिव इनपुट इन एवरी एरिया? आपकी हो गई शादी? नहीं हुई ना, इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहे हो आप. वाइफ्स आर इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग. आई थिंक वी आर, यू नो, वी आर पार्टनर्स इन लाइफ, एंड वी एडवाइस ईच अदर ऑन एवरीथिंग.